ये एलिवेटेड कॉरिडोर के रोंबे आज मैं कुछ खुलासे करना चाह रहा हूँ। एलिवेटेड कॉरिडोर जो राजीव राहदारी से शामिर पेट के आगे होते हुए जा रहा और दूसरा पैराडाइज से सुचित्रा जंक्शन तक वोया बोयिनपल्ली, ये प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग था और कोई दिलचस्पी नहीं थी, खाली कागजी बयानत थे। लेकिन 2024 में 2023 दिसंबर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम डायनामिक लीडर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब आवाम के फायदे के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स थे उसको प्रायोरिटी में लिए, उसमें ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी उनकी प्रायोरिटी में है, ताकि यहाँ के आवाम को जो तकलीफ़ हो रही है, यहाँ से गुजरने वालों को वया कारखाना त्रिमलगिरी हो या फिर बोयिनपल्ली एक्स रोड ये हो, ये तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उन्होंने एक पहल शुरू की और वो प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो भी क्लियरेंस लेना था उसको लिया। लेने के बाद लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ, भूमि पूजा शुरू की गई और लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ। अब इसमें कंटोनमेंट की लैंड तकरीबन एक 24 एकड़ सी लैंड जो है वो भी कंटोनमेंट लैंड आ रही थी कॉरिवेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर के रास्ते में। अब होता क्या है, अक्सर कॉरिडोर के ये एक्सचेंज ऑफ लैंड होती है, लैंड के बदले लैंड दिया जाना, लेकिन हमारे ऑनरेबल एमएलए कंटोनमेंट के श्री गणेश साहब एक प्रपोजल लाए, प्रपोजल लिए वो डिस्कस करे सीओ साहब से, इंचार्ज मिनिस्टर से, कि लैंड के बदले में अगर ये लैंड वैल्यू दिए ये पैसा क्या कंटोनमेंट के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता क्या। तो उसको पॉजिटिव लिए हमारे कंटोनमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मधुकर नायक साहब और बोले ये हो सकता। तो यही प्रपोजल को लेके कंटोनमेंट के एमएलए इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब गए, फिर वहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब को ये प्रपोजल बताए कि इस तरह से हुआ तो आवाम का फ़ायदा होता है, यहाँ जो तकलीफ़ है, यहाँ लैक ऑफ फंड्स है कंटोनमेंट में, वो फ़ंड यूज़ करेंगे कंटोनमेंट के लिए अगर ये मतलब लैंड की जो भी वैल्यू आती है उसको देने के। तो जब ये लैंड की वैल्यू निकाली गई 24 एकड़ ज़मीन की 303 करोड़ 62 लाख रुपए इसकी लैंड वैल्यू आई, ये लैंड वैल्यू को फिर कंटोनमेंट के सीओ ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये बताया कि ये इस तरह से इसको करना है, तो वहाँ से भी एक ग्रीन सिग्नल मिला। और जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब सुने कि ये 303 करोड़ कंटोनमेंट के डेवलपमेंट के लिए, कंटोनमेंट के आवाम को राहत के लिए, जो यहाँ से गुजरने वाले हैं और भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से जाते, एक हाईवे है ये बहुत बिजी रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम के मसले रहते, तो ये 303 करोड़ एक जियो के ज़रिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह फैसला लिया। ये उसका जियो है, आप देख सकते हैं 303 करोड़ 62 लाख। तो 303 करोड़ 62 लाख ये इसमें रोल हमारे एमएलए साहब का खसूसी दिलचस्पी कि ये पैसा कैसा यहाँ पे होना। होता तो ये है कि एक्सचेंज ऑफ लैंड वैल्यू होती है, अगर हमारे सीएम साहब भी चाहते तो कहीं भी ज़मीन दे सकते थे कंटोनमेंट को, लेकिन उसमें आवाम का भला नहीं, किसी का भला नहीं। उसी तरह से अगर ये फंड सीएफआई में जाता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी जाता, तो उसका भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता कंटोनमेंट की आवाम को या कंटोनमेंट के डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही कंटोनमेंट में अभी फंड्स की काफ़ी कमी है, प्रोजेक्ट काफ़ी रुके हुए हैं। और 15 तारीख को हमारे इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद के बीसी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री पूनम प्रभाकर जी मटफोर्ड हॉकी ग्राउंड को आए थे और वहाँ पे ऐलान किया कि इस तरह से सीएम साहब ने 303 करोड़ जो है कंटोनमेंट के तरक्की के लिए ये जियो के ज़रिए जारी कर दिए, जिससे डेवलपमेंट होगा। और भी दूसरे महकमे है, एचएमडीए है, एचएमडब्ल्यूएस है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके ताउन से कंटोनमेंट में जितने भी नाले हैं, जैसे पिकेट नाला है, रसूलपुरा नाला, पैटनी नाला, ये नाले जितने भी है इनको डेवलप करना, हसमतपेट नाला है, ये नालों को डेवलप करना, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन को जो है डेवलप करना। तो ये 15 तारीख को प्रोग्राम तकरीबन सुबह 10 बजे हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे बीजेपी पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसको हाईजैक करके ये क्या चाह रहे थे कि क्रेडिट लेना, ये बोल रहे कि ये क्लेम कर रहे हैं मैं 4 महीने से 5 महीने से कोशिश करा। भाई आप कहाँ कोशिश करें,
अगर आप कोशिश करते, आपके मैं याद दिलाऊँ लोगों के, आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ, 5 महीने पहले जब जैसा कि हमारे एमएलए साहब इलेक्ट हुए और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बैठे श्री गणेश साहब, तो कंटोनमेंट का जो भी पेंडिंग कामों का जायजा लिया, लेने के बाद बोले भाई जितने पेंडिंग काम है, पेंडिंग कम्युनिटी हॉल्स है, जैसा कि कारखाने में है और दूसरे महलों में है, पेंडिंग कम्युनिटी हॉल्स को जो है आप उसके लिए फंड ला के काम करिए, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। फिर भी हमारे एमएलए श्री गणेश साहब की पहल और उनको कंटोनमेंट के बारे में, कंटोनमेंट के प्रॉब्लम के बारे में जितना नॉलेज है, वो एक एक काम को लेते हुए 24/7 काम करते हुए वो सब चीज़ों को एक एक प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। अभी ये हमारे एमएलए साहब की तरफ से सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, इंशाल्लाह और काम होंगे आगे। और एक आपके ध्यान के लिए आवाम को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी कभी भी कंटोनमेंट या कोई डेवलपमेंट का काम हुआ, वो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ, और उसी तर्ज पर हमारे चीफ मिनिस्टर 7th RD ये इसको आगे बढ़ाते हुए ये 303 करोड़ को जारी किए, ताकि कंटोनमेंट के आवाम को आने वाली बरसात में, आने वाली बारिश में प्रॉब्लम नहीं होना, जो काफ़ी पुराने हो चुके सीवरेज लाइन्स है, वो लाइनों की तब्दीली होना, लोगों को जो मतलब सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम नहीं आना, इस चीज़ के लिए काम करें। तो अब ये फॉल्स क्लेम, बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के लोग, इनका काम ही झूठ और झूठ सिर्फ मक्कारी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगाते, हम करें बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इनसे काम होता नहीं। आर्मी के सर्विस चार्जेस जब से आप नॉमिनेटेड मेंबर बने, हम उस वक्त 650 करोड़ था, जब से हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि इसका 50% लाओ आप, आज तक आप 50% नहीं लेके आए, आज वो करीब 900 करोड़ हो गए। तो 900 करोड़ अगर आर्मी सर्विस चार्जेस, जो कंटोनमेंट की मेहनत है, अगर वो पैसे आए तो कंटोनमेंट का काम चलता, डेवलपमेंट होता, कंटोनमेंट में डेवलपमेंट काम नहीं रुकते। आज वो ना हो के आप सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे, ना इलेक्शन करवा रहे, ना इसमें मर्ज होने दे रहे, मर्ज होने के लिए भी आप टांग अड़ा दिए, और इलेक्शन के लिए भी आप कोई पहल नहीं करते, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी कोई काम नहीं करा इसके ऊपर, यानी कंटोनमेंट के अवाम को लावारिस छोड़ दिए, फिर कंटोनमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी जब हमारे एमएलए इलेक्ट होने के बाद श्री गणेश जी जो हो रहा उनसे, अभी देखिए पानी का मसला था, वो एक एमजीडी बढ़ाए, उसमें भी आप बोल रहे हैं मैं कराया, यानी जो भी कांग्रेस काम कराती है उस पर आके आप अपना लेबल चिपकाते, मैं करा, मैं केस डाला, मैं बोला, ये सब नहीं होने का है, ये सब गलत, पब्लिक देख रही है, समझ रही है, क्योंकि एंटायर बीजेपी नीचे से ऊपर तक झूठी है, ये मालूम है सबको, सिर्फ कामों से, सिर्फ झूठ से काम लेते लोग। ऊपर के जो लोग हैं आपके, ऊपर की लीडरशिप है, बोलती है 70 साल से क्या करा कांग्रेस, क्या करी, कांग्रेस करी सब बेच के खा रहे हैं आज तक, कांग्रेस जो काम करी वो बेच के खा रहे हैं, जितना काम वाईएसआर साहब के दौर में हुआ इधर, और अब रेवंत रेड्डी साहब के दौर में भी हो रहा काम आपके सामने है, फटाफट काम चल रहे, और दवाखाना भी काम जो है ना बुलारम के करीब में वो बिल्कुल फुर्ती से चल रहा, उसके बाद भी लोग जो है उंगली उठा रहे, बड़ी गलत, बहुत गलत बात है। मैं खास तौर से हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आप इतना राइट डिसीजन लेके 303 करोड़ कंटोनमेंट के अवाम के डेवलपमेंट के लिए जारी किए। आप चाहते तो आप ज़मीन के बदले ज़मीन दे सकते थे, लेकिन इससे कंटोनमेंट के अवाम काबिल मुबारकबाद है, सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते, साथ ही साथ हमारे एमएलए श्री गणेश साहब, सीओ मधुकर नायक साहब, इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब, ये तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना अच्छा फैसला लेके, जहाँ कंटोनमेंट फंड्स के लिए जूझ रहा था, ये जो लैंड आई वो लैंड के बदले में जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये लैंड खरीदी सो है, मैं नॉमिनेटेड मेंबर को बताना चाह रहा हूँ, 303 करोड़ से लैंड खरीदे 24 एकड़, कोई फ्री में नहीं दिए, अगर फ्री में दिए तो तुमको बात करने का हक था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फ्री में दी, और जो भी माहदे होते गवर्नमेंट के दरमियान में, बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ना कि जो है ये मोदी जी करे उन्होंने करे, ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी के आप जेब से किसी को दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, वो दे रहे हैं सिर्फ अपने मित्रों को, वो मित्रों के लिए चल रहा। तो जितने भी पब्लिक के लिए डेवलपमेंट वर्क्स होते, कभी भी होते कंटोनमेंट में, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में होते। तो अब ये दूसरे जो साबिका हुकूमत है, साबिका हुकूमत के कुछ लोग जो है, यानी मेरा मतलब बीआरएस के लीडर्स, ये आवाम को पता चल गया ये क्या है, ये 10 महीने और 10 साल के अंदर 10 महीने में कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत, हजारों जॉब्स जो है दी है, जो आप पेंडिंग डाल के रखे थे, प्रावधान में डाल के रखे थे, आज बोल रहे हैं कि 10 महीने का हिसाब 10 साल से नहीं कर सकते,
जब एक पौधा लगाते, ये 10 महीने का पौधा है हुकूमत का भी है, आपका 10 साल का पेड़ कुछ नहीं दे सका, एक फल नहीं दिया, आप सड़े हुए फल निकले, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर धोखा हम माइनॉरिटीज के साथ हुआ, 12% नहीं दिए रिजर्वेशन आप। जब कोई लड़का आपके एक जलसे में उठ के पूछा तो बोले बैठो बैठो, बाप को बोलते। ये सब बातें हैं, अवाम आपकी हुकूमत को आपके हुक्मरान जान सके, सिर्फ आप और आपके खानदान का फायदा करे बीआरएस दौर हुकूमत में। तो आपको कांग्रेस पे तनकीद करने का, क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा 10 सालों तक कांग्रेस की हुकूमत रहेंगी और एक सरप्लस स्टेट में तब्दील करेंगे रेवंत रेड्डी साहब, इसको हमको यकीन है, सरप्लस स्टेट बनेगा फिर इंशाल्लाह। ये 303 करोड़ से कंटोनमेंट का काफी फायदा आने वाला है। एक बार फिर मैं हमारे ऑनरेबल एमएलए सीओ साहब और सीएम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम किसी गुमराही में मत होइए, और जो कास्ट सेंसस चल रहा है इसमें भी बीआरएस बीजेपी जो है लोगों को भड़का रही है, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए जो भी आने वाली स्कीम रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट की, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की, उसको उससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। थोड़ा इंतजार करिए और देखिए आगे आगे क्या होता है, और कांग्रेस जो वादा करी वो भर भर करके सारी स्कीमें लागू हो गई, थोड़ा आगे पीछे कुछ चल रहा वो भी इंशाल्लाह पूरे क्लियर होंगे, सिर्फ अभी 10 महीने ही हुए हैं। जय कांग्रेस।